विनायक पाठक सर, एसीएस सर, तो मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सूची बनवाई हम लोगों से और कहा कि जिस भी स्कूल में कमरों की कमी है उन सभी का एस्टिमेट बना के आप दीजिए और 100% का मतलब कि जितनी आवश्यकता उतना पैसा बिहार सरकार दे रहा है और सभी विद्यालयों में जो अतिरिक्त कमरे बनाने हैं वो सभी विद्यालयों में अगले 4 से 5 महीने में बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से शिक्षा भी जो हमारा मूल उद्देश्य है, लोगों को शिक्षित करना, बच्चों को शिक्षित करना, एक शिक्षित समाज लाना, तो वो भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा सभी जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। बिहार सरकार की यह सोच है कि जो व्यक्ति इसके पात्र हैं उनसे पैसा नहीं लिया जाए और उनको मुफ्त में अनाज दिया जाए। 5 केजी जो अनाज है प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में दिया जाए, सही गुणवत्ता और सही मात्रा के साथ। और इसके लिए हम लोग लगातार जो हमारे राशन कार्ड राशन के दुकानदार हैं उनको हम लोग उनकी जांच कर रहे हैं कि आप सभी लोग उसे मुफ्त प्राप्त करें और सही मात्रा में प्राप्त करें। मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग अपने राशन कार्ड में जितनी संख्या लिखी हुई है वो संख्या देख लें और यदि 5 व्यक्ति हैं तो 25 किलो राशन प्राप्त करने का मुफ्त आपको अधिकार है, उसमें किसी भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और कोई अगर कटौती की जाती है तो इसकी अविलंब शिकायत आप संबंधित एसडीओ साहब क्या कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो ये बिहार सरकार ने पहल करके आप लोगों को मुफ्त राशन बिहार सरकार दे रहा है। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना के अंतर्गत सभी वैसे कामकाजी व्यक्ति जो अपने घर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे जाके काम करते हैं उनको मोटर वाली साइकिल दी गई है जिसमें उनको पैदल चलाने की आवश्यकता नहीं है। वो मोटर से साइकिल चलती है, स्विच से साइकिल चलती है, जैसे दीपहिया स्कूटर चलता है उस तरह से चलता है, तो वो साइकिल हम लोग दे रहे हैं। जो मुख फकीर हैं उनको हम लोग हियरिंग एड दे रहे हैं, जिनको आंख की समस्या है उनको पावर चश्मा दे रहे हैं और जिन्हें मोतियाबिंद की समस्या है अभी हम लोग तुरंत अगले माह से कैंप लगाने जा रहे हैं यहाँ पे मोतियाबिंद कैंप, वो प्रखंड वार लगेगा और सब जिले वार लगेगा, उसमें आप लोग अपना नाम सिर्फ लिखवा के रखिए, हमारा कैंप प्रारंभ होगा तो मुफ्त में आपका हम लोग आंख का ऑपरेशन कराएंगे और आंख का ऑपरेशन कराने के बाद चश्मा भी आपको देंगे। इसके अलावा आप सभी लोग जान रहे हैं कि महिलाएं और बच्चे हमारी प्राथमिकता है, तो महिलाओं के लिए विभिन्न योजना लाई गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, आंगनबाड़ी के द्वारा और गर्भवती महिलाओं को उनके घर पर जाके अनाज दिया जाता है और अन्नप्राशन कराया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे जब होते हैं तो अलग से अस्पताल में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वहां पे अलग से 1200 रुपया दिया जाता है और यदि पहली बच्ची है या दूसरी बच्ची है तो अलग से 5000 रुपया दिया जाता है और फिर उस बच्ची को एक कार्ड बन जाता है और उस कार्ड के बाद जैसे जैसे बच्ची बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसको अलग अलग समय पे जब वो मैट्रिक पास करती है तो अलग राशि, जब आईए पास करती है तो फिर राशि, जब बीए पास करती है तो फिर राशि उसको दी जाती है और इस तरह पूरी खर्च उसका सरकार वहन कर पाता है। तो निश्चित रूप से सरकार की यह सोच है कि हमारी महिलाएं बढ़ेंगी, हमारी बच्चियां बढ़ेंगी तो हमारा समाज बढ़ेगा। अभी एसपी साहब बता रहे थे कि कैसे पुलिस में महिलाओं की भागीदारी, लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। बिहार ऐसा एक पहला राज्य है जहां पर महिलाओं के लिए सभी नौकरियों में 35% अलग से आरक्षण दिया गया, जिसका प्रतिफल है कि आज सभी नौकरियों में महिलाएं 50% से ऊपर महिलाओं की भागीदारी हो रही है। पूर्व में जो त्रिस्तरीय पंचायत था हमारा उसमें बिहार सरकार के द्वारा 50% का आरक्षण दिया गया और जिसका प्रतिफल है कि
अभी जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद या जो मुखिया है उनमें